फाइनली गाइस देख सकते हैं अभी सब जिसका सबको पता है सबका इंतजार है। हाँ इसमें तो सेट जाएगा आपका बहुत डाउन में सेट में तो नहीं चाहिए था। मुझे क्या ब्लेम कर रहा है यार तू बदल गया बैंगलोर जाके। कहाँ गुजर दी है पापा की परी भाई पापा की परी देख सकते हैं माय गॉड निकाल दे क्या भाई। ओ भाई साहब ये क्या कारनामा है भाई तुम आ रहा टेंशन मत लो चैनल पे मेरा तुम आ रहा पूरा खतरनाक स्टंट मार रहा था स्टंट गांव में नहीं ला के रखते हैं स्टंट हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग गाइज एंड आई होप सभी अच्छे होंगे गाइज मैं भी अच्छा हूँ बिंदास मजे में आई होप सभी आप लोग भी अच्छे होंगे गाइज। तो गाइज आज का राइड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है गाइज बिकॉज आज का राइड बोकारो टू माइथन है और माइथन से मैं मतलब गाइज बोकारो से मैं सुबह ही आ चुका हूँ धनबाद और अभी जो है अभी शाम का राइड है शाम को आज मतलब हम एक्चुअल में आज का राइड हम लोग का कहीं और होने वाला था तो वो राइड कैंसिल हो गया और जिसके कारण हमको मन नहीं लग रहा था गाइज तो बाइक उठाएं और सीधे चल दिए माइथन की ओर। तो अभी फ़िलहाल धनबाद में है धनबाद में हीरापुर में है और इधर से यहाँ से निकलेंगे काफ़ी तबाही मचाते हुए गाइज और यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं धनबाद में हीरापुर में और हम लोग का एक आश्रम है वहीं पे रुकते हैं जब भी आते हैं और ये हमारा यहाँ पे गुरुजी हैं तो उन्हीं के यहाँ रुकते हैं मतलब उन्हीं के आश्रम में रुकते हैं और जब भी आते हैं मतलब यहाँ रुकना ही है गाइस बिकॉज हम लोग के गुरु हैं तो यहाँ तो आना पड़ेगा ही और यहाँ दर्शन करके ही फिर दूसरा जगह जाते हैं कहीं भी जाते हैं। तो यहाँ का आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाते हैं यहाँ का पूरा चारों बहुत ही खूबसूरत है और ये मेन गेट है उस साइड और ये देख सकते हैं बगीचा है और अंदर का भी दिखाएंगे बट अभी नहीं देखते हैं अंदर का भी व्यू दिखाएंगे काफ़ी बहुत सुंदर जगह बहुत एकदम पीसफुल है मतलब शांति है एकदम बहुत ज़बरदस्त जगह है और आप लोग भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए अगर जिसके मन में भक्ति है तो अदरवाइज आप लोग नहीं भी आ सकते। तो गाइस अभी दिखाते हैं सबसे पहले हम लोग का फाड़ू क्या ही बोल सकते हैं बाइक बिस्ट को दिखाते हैं अपनी भाई चेक कर सकते हैं ये मेरी वाली है और ये मेरे भाई की है नई हाल फिलहाल में खरीदी है लगभग 1 मंथ हुआ है देख सकते हैं एकदम चेक सारा कुछ न्यू है और इधर भी है 3R15 है फिलहाल अभी और भी बहुत सारा राइडर्स लोग ज्वाइन करेंगे तो फिलहाल यहाँ का खूबसूरती है भाई बहुत सारा खूबसूरती प्लेस है और वहाँ आश्रम वहाँ हम लोग का गुरुजी का सारा कुछ है फ़ोटो वगैरह है बिकॉज अभी वो तो है नहीं तो सारा कुछ है ओंकार का। तो अभी यहाँ से गाइस हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से सीधे निकल जाएंगे हम लोग माइथन के लिए और राइडर आर आर फ्लेम उसके साथ जाएंगे मतलब सब कोई है और भी बहुत सारा बंदा है तो वही लोग के साथ राइड करेंगे। फिलहाल हम तो रेडी नहीं हुए ड्रेसअप पर नहीं है तो थोड़ी देर में ड्रेसअप वगैरह होगी हेलमेट वगैरह शूज़ वगैरह उधर रखी है। तो गाइस आप लोग को दिखाते हैं हमारा मंदिर भी दिखाते हैं उसके बाद तो राइड तो स्टार्ट होना ही है बट मंदिर दिखाते हैं देख सकते हैं यहाँ से है अंदर की ओर यहाँ पे इस साइड पर यहाँ पे मंदिर है काफ़ी सुंदर है तो इसका अंदर मैं कभी खोल नहीं इस साइड पर यहाँ पे खोलते हैं देखते हैं देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है हमारा ओमकार जी और ये है हमारे श्री श्री वामनि और श्री श्री महामनि जी काफ़ी सुंदर है और यहाँ आने से एकदम मन शांत हो जाता है एकदम मन शांत हो जाता है। तो गाइस अभी फ़िलहाल अभी हम लोग चलेंगे राइड पे और इसको बंद कर देते हैं इसको गाइस बंद कर दिए और बंद कर दिए और अभी साइड पे जाएंगे यहाँ से ये मेरा शूज़ है इधर और यहाँ से गाइस राइड स्टार्ट होगा एकदम
तो गाइज ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। और इसके बाद तो काफ़ी तबाही होने वाला है, सारा कोई भाई लोग आ चुका है, अब निकलते हैं गाइज ड्रेस वगैरह पहन के, ठीक है, गोप्रो में मिलते हैं, बाय बाय। अभी हम लोग यहाँ पे बालाजी पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं जो कि यहाँ पे है बिग बाज़ार से थोड़ा सा आगे, और यहाँ से हम लोग माइथन जा रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा माइथन राइड के लिए निकल गए हैं, और फ्यूलअप वगैरह नहीं था तो फ्यूलअप करा लिए हैं फाइनली यहाँ पे बालाजी पेट्रोल पंप पे। और ये इंडियन ऑयल है, तो यहाँ पर हम लोग 95 अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल फ्यूल मतलब डलवा लिए हैं, और यहाँ का लोकेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ का लोकेशन काफ़ी पहाड़ी है, पीछे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और ये हम लोग का लाइनअप है, और अभी सब भाई लोग आएगा, अभी मेरा वाला बाइक है और अभी आ रहा है उधर से, यस जीएस 310 आएगा, और भी बहुत सारा बाइक आएगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। तो फिलहाल देखते हैं कब तक वो लोग पहुँचता है, और उसके बाद गाइस यहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे। तो गाइज अभी लाइनअप देख सकते हैं, लाइनअप हो गया कंप्लीट, और अभी हम लोग सब भाई लोग आ चुका है, और अभी यहाँ से निकलेंगे सीधे माइथन के लिए। गाइज देख सकते हैं सारा बाइक का उस टाइम आया नहीं था, बट अभी आ गया, जैक ब्रो भी आ गया और सबको आ चुका है, देख सकते हैं जीटी। और अभी फिलहाल हम लोग निकलेंगे हार्ड रोल करते हुए गाइज, काफ़ी लाइनअप काफ़ी तगड़ा है, और आज माइथन में जो चुल मचने वाली है ना गाइज, बहुत ख़तरनाक चुल मचने वाली है माइथन में, क्योंकि सारा में एग्जॉस्ट चेंज है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 बाइक में एग्जॉस्ट चेंज है, और वहाँ पे तो भाई ख़तरनाक एकदम हार्ड रोल होने वाला है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। तो फिलहाल यहाँ से निकलेंगे, लेट नहीं करेंगे और निकल जाएँगे सीधे माइथन में, मिलते हैं गाइज आप लोगों से। तो गाइज अभी हम लोग हाईवे टच कर लिए हैं, यहाँ 6 लेन, और अभी यहाँ थोड़ा सा रुके हुए हैं, और एक बंदा नहीं आया, पता नहीं पीछे रह गया या फिर किधर रह गया यार, तो उसी के लिए थोड़ा सा रुके हैं, और अभी इसके बाद यहाँ से तो राइड होगा झकास गाइज, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त वाला। तो सारा भाई लोग रेडी हो गया, बैठो, बहुत ज़्यादा हीट होता है ना यहाँ, तो रहेगा सब पैर रख सकते हैं यहाँ पे, हैं बहुत ज्यादा हीट होता है भाई तब, हाँ बहुत ज्यादा हीट तो होगा, इस इंजन ही इतना बड़ा है, कूलेंट नहीं है, थोड़ा सा है उसमें कवर नहीं कर पाए जीटी में ना, जहाँ पे जावा 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 का जान थोड़ी है यार, हो गया हो गया हो गया, बैठो गाड़ी पे बैठो सब, आ गया गाड़ी पे बैठो सब, के गाड़ी पे बैठो सब, गाड़ी पे बैठो, यहाँ से देख सकते हैं रोड पूरा बन रहा है, मतलब ओवर ब्रिज पहले नहीं था ओवर ब्रिज, बट अभी बन गया हाईवे ऊपर से होकर के, तो पहले नीचे वाला था तो ये बन चुका है, तो अभी हम लोग को नीचे से होकर के जाना पड़ेगा। देख सकते हैं ये बन रहा है, पता नहीं हाईवे पे रोड है कि नहीं है, पता नहीं चल रहा, बिकॉज सब गाड़ी तो उस साइड से ही जा रहा, तो हम लोग को लग रहा है नीचे जाके उस साइड में होकर हम लोग को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को सबको जाना पड़ेगा। इधर भाई हमको लग रहा है कि उस साइड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट गाड़ी हमको लग रहा है पार हो जाएगी। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं भाई, चीरते फाड़ते हुए एकदम मस्त मस्त, एकदम धांसू स्पीड में, धांसू एवरेज तो खैर 52 का निकाल के दे रही है, अभी दिख रहा है 52, बट पता नहीं 52 दे रही है कि नहीं दे रही है, वो भी नहीं पता गाइस,
बट साइड भाई बाइक का नज़ारा एक तो खतरनाक है, एकदम खतरनाक बाइक का नज़ारा है। और सब पे सबकी बाइक पे चाबी लगी हुई है ऑलमोस्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं तो काफ़ी जबर अरे भाई इधर से तो है, इधर से आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। उधर वाला नहीं पता है, यहाँ वाला पता है ना, इधर यहाँ से राइट चल जाती है। चलो ना इधर से चलते हैं, अगर यहाँ नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले में इधर से ही चलेंगे। नहीं होगा तो फिर घुमा लेंगे और क्या। अरे तब तक एक बाइक आप खुदा दीजिए वहीं से, कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारे वाला तो पार हो जाएगा, खुद जाएगा, दिक्कत तो हम लोग वाले में, दिक्कत बिफोर वालों के लिए है, बिफोर वालों का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। दो BMW एक GT 4 मतलब 6-7 R15 है, R15 का कमी नहीं है भाई ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हो R15 का तो कमी रहता ही नहीं, क्योंकि वो मोस्ट डिमांडेबल है। और अभी खतरनाक वे में तो पहुंच गए हैं, अब वहां पे पहुंचते हैं। उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, जाने दो, निकल जाए। अरे निकल जाओ भाई, चलो चलो हम आते हैं पीछे से, चलो बैठो बैठो उसमें, वो उसको ले। तो गाइस भाई ये ऑफ रोड का मजा दे रही है, हमको लग रहा है ऑफ रोड का मजा दे रही है, ऑफ रोड वाला सीन हो गया क्या, ऑफ रोड वाला सीन हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत बात कोई भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ना है वैसे। पूरा का पूरा रोड खराब हो गया एकदम, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है अब, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, क्योंकि उसको ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे लोग जा ही नहीं सकते माइथन के लिए, उसको ओवरब्रिज के साथ जोड़ना ही पड़ेगा गाइस, अदरवाइज इसका रास्ता दूसरा तरफ से करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और फाइनली भाई हम लोग तो पहुँचने वाले हैं, तो गाइस यहाँ पे पहुँच चुके हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही खतरनाक लग रहा है भाई, स्टीमर क्या चल रहा है यार। और इस साइड पे भी पानी वगैरह कम है, और वो भाई नाव डूब गया है उस साइड पे, हाँ 1,00,000 का नहीं, 8,000 का इस साइड पे भाई नाव डूबा हुआ है, खतरनाक लग रहा है नाव। और अभी भाई इधर देख सकते हैं, अभी थोड़ा इतना कम पानी रहता नहीं, बट क्या ही बोल सकते हैं पानी का तो। और अभी हम लोग नीचे साइड जाएंगे, उस साइड जाएगा क्या, नीचे जहाँ चलना बोलो वहाँ चल लेंगे, नहीं थोड़ा बहुत तो उधर जाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो जाना पड़ेगा, बिकॉज कंटेंट में कुछ मजा होना चाहिए, कंटेंट चाहिए तो जाना पड़ेगा, चाहिए। उस साइड जाने का रास्ता नहीं है ना, कहाँ पे, वो नीचे जाएंगे, तो पैदल जाना होगा उसके लिए, हाँ पैदल तो जाना होगा। आगे तो किसका वीडियो में देखे थे आगे साइड में, उस साइड पे है, इधर नहीं उस साइड पे है, एकदम नीचे जा सकते हैं उस साइड पे जो दिख रहा है ना, उस साइड उधर एकदम नीचे जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते हम लोग उस साइड पे। भाई क्या भगा रहा है, क्या लूना को भगा रहा है एकदम 100 पे भगा रहा लू ना, कोई दिक्कत वाली बात ना है, बट यहाँ पे लाइन अप कुछ इस तरीके से हार्ड है। और बुलेट वाला भाई वैसे क्यों घुसेड़ दिया पता नहीं, बाइक वैसे थी पहले से में भी हमको लग रहा, बट कोई दिक्कत वाली कम से कम 1-1.5 फुट डीप है। वे नमस आमर तेलम दीजिए, वो सेट जा रहा था क्या आपका,
हाँ इसमें तो सेट जाएगा, आपका बहुत डाउन में सेटना तो नहीं चाहिए था। कहाँ पर दिखाई दिखे? अरे यार ये आप किधर से हैं? सो गया। आप किधर से आए जो ऐसा रास्ता रोड मिला आप लोग को? हाँ दिक्कत था। तो गाइस अभी आसनसोल वाला बंदा लोग भी आ चुका है, मतलब ज़्यादा नहीं है, चार पांच ही आया है। उतना बड़ा हम लोग तो बस ऐसे ही नॉर्मली टहलने के लिए निकल गए थे यहाँ गाइस, तो टहलने के लिए निकले थे कि क्या ही बताएं। हम लोग का ग्रुप ऐसा ग्रुप बन ही गया है कि एक कॉल करो तो 10 निकल जाता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है हम लोग वैसे भी। तो भाई वेनमस वो भी आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम हल्का मचाते हैं अपना बाइक को, सबका 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 ए इधर आ, एक बार अपना तहलका मचाते हैं, फिर विली नहीं एक्स्ट्रा कुछ दिखाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ दिखाते हैं भाई, ओह नीटर वाला एक्स्ट्रा कुछ दिखाते हैं। रुको ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, सब होगा सब होगा सब मारे। तो गाइस अभी एक एक्स्ट्रा कुछ दिखाने वाले हैं यहाँ पे, होटल पूरा लीजिए। क्या कर रहा है साइड जल्दी आओ। देखिए एकदम जो लाइव भाई देख सकते हैं। ओ भाई साहब ये क्या कारनामा है भाई, दिल थाम के देखना पड़ेगा ये अलग टेंट। तुम आ रहा टेंशन मत लो, चैनल पे मेरा तुम आ रहा है, पूरा खतरनाक स्टैंड मार रहा था। स्टैंड गांव में नहीं हिला के रखते हैं स्टैंड, नहीं स्टैंड तो काफी तगड़ा था। क्लच प्लेट अगला संडे को आइएगा ना। हाँ देखते हैं आप आएंगे तो, स्टैंड तो भाई नेक्स्ट लेवल का था, एकदम खतरनाक स्टैंड का। इसमें है दस शिकारी राइडर है, इसमें करना ठीक है। यूट्यूब इंस्टाग्राम कहाँ गुजर दी है पापा की परी भाई, पापा की परी सुन सकते हैं। माय गॉड निकाल दे क्या भाई, निकाल दीजिए। पता नहीं कैसे, क्लच दबाइए क्लच दबाइए तब ना यार, क्या कर रहा है
आप कब निकलेगा? अभी बैठे डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा बैठी है। हाँ तो और क्या, यहाँ का मतलब मजा ही कुछ और है, जितना रात होता है रोमांटिक प्लेस है ना। अभी जब ज्यादा और लेना तो बंगाल के लिए खड़क पास। और बहुत कोई ऐसा है कि आराम से यहाँ सो के बात करते करते टाइम एक्सपेंड करता है ना, कहा यही हम लोग को चीज मिला ऊपर। नहीं बहुत अच्छा चीज, मेरा भी सामने है डैम, मेरा भी घर का सामने ही डैम। झारखंड में जितना पूरे लेकिन भाई मैथन बहुत सुपर है, बहुत झारखंड में सबसे बड़ा डैम और बड़ा भी है, बड़ा भी है, नहीं सबसे बड़ा। आराम से जाना ठीक है, लॉन्ग राइड जहाँ मारिएगा हमको बोलिएगा, हम रेडी हैं, कहीं भी जाइएगा सिक्की मुक्की हम रेडी हैं, ठीक है, हम रेडी है जहाँ बोलिए, खाली आपका साथ चाहिए। एकदम मेरा भाई एकदम साथ, ठीक है ना, खाली साथ आराम से लो लेके जाना, ठीक है। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं, अभी सब जिसका सबको पता है, सबका इंतजार है, इंतजार का, और अभी हम लोग सब निकल रहे, आराम से चलो बैठे, क्या बैठो, और ये रहा आया भैया, और ये रहा जी नाइन एंट्री। तो अभी फिलहाल तो गाइस यहाँ से निकलेंगे, अभी हम लोग को काफ़ी रात हो चुका है, लगभग साढ़े मतलब 8 बजने वाला है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे गाइस फटाफट से। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा गाइस। अभी मैं ट्रेडर बोकारो आने से मैसेज कीजिए, बोकारो आइए मैसेज कीजिए। अरे भाई अभी देखे नहीं है, लूना वाला जानते हैं, लूना वाला गजब लूना है ना, ये तब से कर रहा है, तब से आधा घंटे मतलब हम लोग जब से आए तब से कर रहा है, लूना वाला तब से स्टैंड कर रहा है, तब से दिमाग खराब कर किया है। घुमा इधर याद है हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे जो टर्निंग में जहाँ पर गाड़ी उल्टा देगा, हाँ वही रूट से कट के ऐसे चढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक, मतलब पूरा आगे देखे लॉक होगा, साइड टर्न लीजिएगा, सीधा निकल के रॉन्ग साइड होकर निकल लीजिएगा, अच्छा ठीक, सब रूट मिलेगा, थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है, आते हैं एकदम, बहुत गाड़ी जा रहा होगा बोकारो आने से, एकदम बोकारो की हम राइट मारेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, बट अब क्या ही कर सकते हैं, लेट होना रहेगा तो हो ही जाएगा। तो अभी फिलहाल आराम से जाएंगे गाइस घर। तो फाइनली गाइस आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिए गाइस। तो अभी थोड़ा लेट लगेगा बट घर तो पहुँच जाएंगे, आज के लिए बाय बाय।